हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम भारत और वैश्विक स्तर पर जो महंगाई है उसमें जो है कुछ कमी होने के आसार दिख रहे हैं, इस पे जो विशेषज्ञों ने बताया है। तो क्या वैश्विक महंगाई चरम पर है और अब आने वाले समय में कुछ कमी हो सकती है। तो देखिए जो यूएस की स्थिति है, यूएस में जो है ना वो गैसोलीन यानी पेट्रोल की कीमत में जो है गिरावट के कारण जो है जुलाई में अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि नहीं हुई, जो पिछले 2 वर्षों में मुद्रास्फीति की चढ़ाई को देखकर परेशान थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए पहला राहत का संकेत है। इसके अतिरिक्त जो मुद्रास्फीति की मौजूदा लहर के साथ अर्थशास्त्रियों और केंद्रीय बैंकों के लिए जो कॉल करना था वो एक दर्दनाक अभ्यास रहा है। ऐसा इसलिए कि जो पिछली बार वो भविष्यवाणी कर रहे थे वो बार बार गलत हो जा रहा था, इसलिए उन लोगों ने कुछ दिनों के लिए भविष्यवाणी करनी छोड़ दी कि अब हम अर्थव्यवस्था पर कोई भी हालात की सिर्फ जानकारी दे देंगे लेकिन कोई अनुमान नहीं व्यक्त करेंगे। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं में मुद्रास्फीति के कुछ उपाय ठंडे पड़ गए हैं। जी हाँ, दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आप जान रहे हैं, रशिया यूएसए ओ चाइना और यूएसए। फिर भी जो यह संभावना जो है बहस की जग गई है कि क्या आप 1 साल में तेज जो साल की जो तेज कीमत में वृद्धि थी क्या सबसे खराब स्थिति वो कम होगी या कुछ हमें राहत मिलेगा। जो फेडरल रिजर्व है ना यूएस में, फेडरल रिजर्व के अधिकारी साल की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति में गिरावट को देख रहे हैं। इससे उन्होंने बताया कि हो सकता है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तीसरी तिमाही में जो ये हाईएस्ट पीक पर है ये भी हो सकता है इसके बराबर इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए। साथ में बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है अक्टूबर में भी हो सकता है उसमें अक्टूबर से देखने को मिले गिरावट। तो क्या इससे कच्चा माल सस्ता हो रहा है। तो पिछली जो है जो विंटर थी ना, पिछली जो सर्दियों के मुकाबले जो है वहाँ पे ऊर्जा की जो आवश्यकता थी बहुत अधिक थी। ये अब यूरोप की बात हो रही है, यूरोप और वेस्टर्न की। तो जो ऐसा माना जा रहा है कि जो इससे ऊर्जा और अन्य पदार्थ हैं क्या उनके दाम कम होंगे। तो देखिए तेल, गेहूं और तांबे जैसी कई प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में हाल में के महीनों में गिरावट आई है। अभी हाल के महीनों की अभी जल्दी गिरावट आई है। इसका कारण ये है कि रशिया यूक्रेन जो वार हो रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं अब एक्सपोर्ट जो व्हीट एक्सपोर्ट था वो प्रारंभ हो गया है, तो इससे भी है। और साथ में रशिया ने अपनी जो ये बार बार चेतावनी दे रहा था ना यूरोप को कि हम तेल कम बंद कर देंगे, आपको गैस बंद करके, तो वो भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा इसमें नरमी बढ़ रहा है। ऐसे इसके अतिरिक्त जो है गिरावट ज़्यादातर चीन से यूएसए और यूरोप में आर्थिक मंदी के बीच कमज़ोर वैश्विक मांग को दर्शाती है, जहाँ उपभोक्ता उच्च कीमतों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह पहले से ही मुद्रास्फीति पर कुछ उपायों पर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन बढ़ती इनपुट लागत के बीच जो इनपुट कॉस्ट है उसकी रिपोर्ट करने वाले निर्माताओं की जो हिस्सेदारी है वो घट रही है और थोक कीमतों में वृद्धि दुनिया भर में धीमी हो रही है अब। लेकिन यूरोपियन जो यूनियन है ना उनमें बिजली के दाम कम नहीं होंगे भाई साहब। यूरोपियन परिवारों के लिए जो बिजली की मांग है या ऊर्जा की वो उसमें दाम में कमी होने की कोई संभावना नहीं है। जर्मनी सहित जो अन्य देश हैं उनमें जो है तो हो सकता है कि राशन राशन की भी जो दाम है वो बढ़ सकता है। और यूरोप में गैस की कीमतें जो वर्षों से अपने आयात के एक बड़े हिस्से को धारण करती हैं वो रूस पर निर्भर हैं। रशिया जो है कुछ दिन पहले उनके ऊपर जो है जानी रहे आक्रामक रूप में आ गया था, लेकिन फिर भी वो नरमी बरत रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब 1 साल की तुलना में जो है जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको 4 गुना अधिक गैस की आवश्यकता होगी, जो बहुत अधिक है। ब्रिटेन में भी अपनी गैस की ब्रिटेन अपनी गैस और पेट्रोलियम लगभग खुद ही उत्पन्न करता है, मतलब उसके पास है उत्तरी सागर में से एक कोई क्षेत्र है जहाँ से वो उत्पन्न करता है, लेकिन उसके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, बहुत ही कम क्षमता है। तो अक्टूबर में अपने बिजली बिलों में भी वो कह रहा है कि हम कुछ हाई करेंगे, मतलब उछाल देखने को हमारे यहाँ मिल सकता है, जबकि मौजूदा मूल्य सीमा समाप्त हो रही है, जो करंट प्राइस कैप था वो समाप्त हो रहा है। जर्मन ड्राइवर के लिए बुरी खबर ये है कि वो भी अगस्त तक उनके जो पेट्रोल में सब्सिडी मिल रही थी वो भी बंद हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन क्या है, आशाएं क्या है भाई सब, क्या वो नियंत्रण में है। तो केंद्रीय बैंकर इस बात से आराम पा सकते हैं कि निवेशकों का उन पर से विश्वास नहीं टूटा, हालांकि यूएसए यूरो क्षेत्र में जो मुद्रास्फीति की उम्मीदें जो हैं वो 2% से थोड़ा ऊपर हो सकती हैं, थोड़ा ऊपर हैं, और वे ब्रिटेन में असुविधा रूप से अभी भी अनकम्फर्टेबली वो जो है उच्च बने हुए हैं। अब जो है यूएसए यूरो क्षेत्र और ब्रिटेन में केंद्रीय बैंकों द्वारा सर्वेक्षण किया गया, उन्होंने जो उपभोक्ता है ना उनको बताया कि आने वाले कई वर्षों में मुद्रास्फीति 2% से अधिक हो सकती है, लेकिन 3% से कम रहेगी। साथ में एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि संकट कम होने से पहले कम से कम अगले साल
तक यह स्थिति रहेगी, हो सकता है अगले साल तक कम भी हो जाए। जबकि अब देखिए क्या होता है, अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक गतिविधियाँ किसी किस प्रकार से हो सकती हैं, ये आर्थिक गतिविधियों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। साथ में जो मुख्य प्राइस हैं उनमें गिरावट हो सकती है। यूएसए और ब्रिटेन में जो ऊर्जा और फूड प्राइसेस है ना, वो हो सकता है कि आगे और कम हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे उनमें कमी आ रही है, गिरना शुरू हो गए हैं। कुछ का यह भी मानना है कि जो जापान और यूरो जोन है उसमें भी कमी आ सकती है। और कोर मुद्रास्फीति विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों के आराम जो कम्फर्ट जोन है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर बने हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि उन्हें जो है अपनी नीतियों को जो है सख्त करने की आवश्यकता है, जैसे कि उन्हें ब्याज में बढ़ोतरी करें या फिर किसी प्रकार से जो जो कैपिटल है ना मनी उसे ट्रेड में यूज करके अपने व्यापार को उन्हें सबसे पहले ठीक करना होगा इसके लिए। और जो यूएसए और ब्रिटेन में नवीनतम मंदी दिखाया कि उन्होंने ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की थी उसका कोई विशेष प्रभाव पहले से ही था, तो थोड़ा बहुत प्रभाव और हो भी सकता है। देखिए ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी के जो इकोनॉमिक्स है ना, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन का उपयोग करते हुए जो है जो इस मतलब एक पता लगाया कि साल की दूसरी छमाही में ना जापान और यूरो क्षेत्र में मुख्य जो मुद्रा स्फीति रहेगी वो अपने पीक पर होगी, चरम पर होगी। उन्होंने जो ये मशीन उपयोग किया, ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क जो है, ये इसमें जो मशीन मूल रूप से मशीनों को मानव भाषा सीखने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है। ये विस्तृत रूप से मुद्रा स्फीति डेटा को स्पॉट पैटर्न के लिए पार्स करते हैं और उससे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये तो कोई क्वेश्चन भी आ सकता है इसके। और जो वेज मजदूरी है वो बढ़ रही है, तो वहाँ पिछले वर्ष की तुलना में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, उसमें जो यूनिट श्रम लागत थी, यूनिट लेबर कॉस्ट, वो जो है बढ़ रही थी। दूसरी तिमाही में यूएसए में जितने भी गैर कृषि व्यवसाय थे, मतलब जितने इंडस्ट्रियल वर्क थे, उसमें जो है 10% की वृद्धि हुई है। इसमें देखिए ये भी कहा गया कि यदि मजदूरी ज़्यादा बढ़ती रही तो ये भी एक दुष्चक्र प्रारंभ कर सकता है, इससे जो है सप्लाई पर मतलब डिमांड पर ज़्यादा असर पड़ेगा, तो हो सकता है कोई वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। तो यूएसए के जो मजदूर हैं उनके लिए तो ये खबर ठीक ही है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई पर असर पड़ सकता है, जो वेजेस बढ़ रहे हैं मतलब मतलब उनके मजदूरी बढ़ रही है उससे। तो भारत का क्या हाल है, तो भारत इस साल दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मुद्रास्फीति के बावजूद भारत इस साल की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। यहाँ की जो मुद्रास्फीति वो कम्फर्ट जोन से काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई पर है, लेकिन जो सेवाओं में की मांग में कमी और उच्च औद्योगिक उत्पादन जो है उसके द्वारा जो है हम सुधार ला सकते हैं अर्थव्यवस्था में। सोर्सेज ने कहा कि सरकार मुद्रास्फीति को कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और आरबीआई के साथ जो है नीतिगत जो का नीतिगत कार्य है उस पर जो प्लान भी बना रही है, योजना बना रही है, उन्हें लागू भी कर रही है। वित्त वर्ष 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 7.1% की दर से बढ़ रही थी। देखिए जो वित्त वर्ष जो 2023 ना, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 7.1% की दर से बढ़ रही थी, और विकास दर को बढ़ाने के लिए वो हो सकता है सरकारी निवेश भी कुछ करें। तो मुद्रास्फीति लगातार 6 महीनों के लिए 6% की ऊपरी सहन जो उसकी जो भाई सब जो लिमिटेशन थी ना, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई थी, 6% से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गई थी। और विकास धीमा होने की कोई संभावना नहीं है, विकास में कोई चेंजिंग नहीं हुई। भारत इस साल तक नहीं तो अगले साल तक जो है वो तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन ही जाएगा, अभी भी है वो, आगे भी रहेगा यदि ऐसी मतलब ग्रोथ रेट रही तो, ऐसे मतलब जो अर्थव्यवस्था सुधार हो रहा है उससे। तो चालू खाता घाटा जो है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें जो है स्थिरता जो बनी रहेगी। और साथ में सरकार लगातार उधार जितनी उधार उसने दिए हुए उस पर अब निगरानी कर रही है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में उसने सावधानी बरतने के लिए कहा है, क्योंकि जो है अभी हाल ही में एक वजीर एक्स प्रकरण हो गया था, तो उसके कारण उसने कहा क्रिप्टो के जो लेन देन है उसके काले पक्षों के बारे में भी ध्यान देने को कहा है। साथ में जीएसटी पर राज्य के मंत्रियों का एक समूह कैसीनो पर कर लगाने के लिए उन्हें कहा गया है, और वो इसकी रिपोर्ट जो हो वित्त मंत्री को सौंपें। तो इससे माना जा रहा है कि जो आर्थिक मोर्चे पर सरकार को राहत है ना, वो मिल सकती है। जुलाई के सेवा में सेवा निर्यात में 28.69% की वृद्धि हुई है। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स में वृद्धि जारी है।
जुलाई की खुदरा महंगाई दर कम होकर 6.7% के स्तर पर आई। जून में जो 7.01% थी मुद्रास्फीति। खाने पीने की चीज़ों के दाम में भी राहत। 7 महीनों से जो खुदरा महंगाई दर 6% से अधिक पर कायम था उसमें कमी आएगी। जून के औद्योगिक उत्पादन में 12.3% की बढ़ोतरी। मई में IIP में जो है 19.6% का इजाफा हुआ है। इससे जो है ऐसा माना जा रहा है कि जो खाद्य वस्तुएं में 7.75% की महंगाई दर दर्ज की गई थी उसमें कुछ कमी आएगी। इस समय जो है कमी कितनी हुई है, 6.75% हुई है खाद्य वस्तुओं में कमी, मतलब 6.75% रही जो 7.75% थी। तो हम कहीं ना कहीं मानेंगे कि महंगाई दर जो है 7.01% से कम होकर 6.71% हो गई है। तो यदि ऐसा रहा तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रहेगी। अब रोजगार और अन्य जो उस पर हम चर्चा करेंगे फिर कभी। तो वैश्विक महंगाई और भारत महंगाई के संदर्भ में हमारी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है और हम बहुत जल्द इसे सुधार लेते हैं। जय हिंद।